से हम डिस्कस करते हैं। यहाँ जो टारगेट है ब्रोकरेजेस का, खास करके सिटी का, वो 1150, और ब्रोकरेजेस फार्मा पैक में पर्टिकुलरली सन फार्मा को लेके काफी उत्साहित हैं। जो स्पेशलिटी केमिकल की पाइपलाइन है उसको लेके ग्रोथ काफी अच्छा देखने को मिल सकता है, ऐसा सिटी का मानना है। फार्मा स्पेस में एक प्रेफर्ड पिक है। और जहां तक की वैल्यूएशंस का सवाल है, 25 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड ईपीएस कंपनी ट्रेड हो रही है, तो आकर्षक वैल्यूएशंस के हिसाब से भी सिटी को ये शेयर पसंद आ रहा है। सन फार्मा से गियर चेंज करते हैं और मूव करते हैं एलएनटी की तरफ। जेबी मॉर्गन की जो रिपोर्ट आई है वहां कंपनी का टारगेट है 2100 रुपए। हालांकि ऑयल प्राइसेस और जो कमोडिटी कॉस्ट इन्फ्लेशन है उससे मार्जिन प्रेशर आपको शॉर्ट टर्म में दिखाई देगा, लेकिन जेपी मॉर्गन का मानना यह है कि जो इनका हाइड्रोकार्बन डिवीजन है, जहां ये ऑयल एंड गैस की फैक्ट्रीज लगाते हैं और केपेक्स में मदद करते हैं, वहां ऑर्डर बुक आपको पिकअप होती हुई दिखाई देगी। इनफैक्ट जेपी मॉर्गन का मानना यह है कि जैसे ही जैसे ऑर्डर बुक आपको बनती हुई दिखाई देगी कंपनी की और ऑर्डर विंस होते दिखाई देंगे, तो शायद ये ओवरशेडो करेंगे मार्जिन प्रेशर को, और इसीलिए यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। करंट मार्केट प्राइस से अगर आप देखें तो स्टॉक में अच्छा 20% का अपसाइड जेपी मॉर्गन को लगता है। जी हाँ, और देखिए जेपी